किसके लिए रशिया और यूक्रेन जो कि दो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं नेबरिंग कंट्री हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक है और एक वॉर की स्थिति बनी हुई है एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो इसी वजह से आज का टाइटल है ऑन द ब्रिंक यानी कि यु यूक्रेन और रशिया बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं किस चीज पे उन दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है रशिया एंड यूक्रेन रशिया एंड यूक्रेन जो कि

जो मिनिस्क अकॉर्ड था उसके अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक 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 डिस्प्यूट बना हुआ है है वॉर वॉर की स्थिति बनी हुई है, उसी को खत्म करने के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच में एक अकॉर्ड हुआ था एक अग्रीमेंट हुआ था जिसको मिनिस्क अकॉर्ड बोलते हैं मिनिस्क अग्रीमेंट बोलते हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत उनको उस युद्ध को क्या करना था खत्म करना था उसको वो उन उन दोनों को जो उनके बीच में जो कमिटमेंट हुए हैं प्रतिबद्ध है दोनों के दोनों कंट्रीज तो उनको उसका पालन करना चाहिए मैसिव मैसिव मोबलाइजेशन का उनका कलेक्शन इकट्ठा करना ऑफ रशियन और रशिया ने क्या किया है रशिया ने अपने जो ट्रुप्स है सैनिक है तो उसका जो जमावड़ा है वो बहुत ज्यादा कर लिया है ऑन द यूक्रेन बॉर्डर यूक्रेन का बॉर्डर जो है वहां पर रशिया ने अपने बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है क्योंकि रशिया जो यूक्रेन है वो एक नेबरिंग कंट्रीज है जो कि पड़ोसी कंट्रीज है तो रशिया ने अपने बहुत सारे सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर के पास इकट्ठा कर दिया है एंड ओकेशनल कभी कभार आउटब्रेक आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक से किसी किसी चीज का फट पड़ना फूट जाना आउट ब्रेक ऑफ वॉयलेंस और जनरली यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां पर बहुत सारा वॉयलेंस देखने को मिलता है हिंसा देखने को मिलती है अलोंग दाइन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द रशिया मतलब रशिया और जो यूक्रेन का जो बॉर्डर है जहां पर दोनों का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात की जाए दोनों के बीच में जो बॉर्डर को डिवाइड करता है तो वहां पर अक्सर वॉयलेंस देखने को मिलता है रशिया बैक्ट रेबुल्स और अक्सर ये जो वॉयलेंस होता है वो कौन करता है जो रशिया के जो रशिया को फेवर करने वाले बैक करने वाले रेबल्स रेबल्स का मतलब हो गया वो लोग जो कि प्रतिशोध करते जो क्या करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं तो जो रेबल्स हैं जो प्रतिशोध करने वाले हैं अक्सर वो क्या करते हैं यूक्रेन के अंदर यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसके आसपास वॉयलेंस करते हैं हिंसा करते हैं एंड कंटेस्टेड डॉनबास रीजन कंटेस्टेड का मतलब विवादास्पद डॉनबास हालांकि ये जो पर्टिकुलर एरिया है वह यूक्रेन के अंदर आता है लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है एंड यूक्रेनियन ट्रुप और यूक्रेनियन ट्रुप बोथ कंट्रीज टू ब्रिंक ऑफ एन ओपन कंफ्लिक्ट और डेफिनेटली सी बात है जो रशिया को बैक करने वाले जो रेबल्स हैं वो क्या करते हैं अक्सर अक्सर यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास वो क्या करते हैं वॉयलेंस करते हैं और यूक्रेनियन जो ट्रुप्स है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूक्रेन की जो ट्रूप्स ट्रुप यूक्रेन के जो सैनिक है वो भी क्या करते हैं वो भी डेफिनेटली सी बात है वो भी प्रोटे वो भी अपना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो इस तरीके से रशिया और यूक्रेन है दोनों ने क्या कर दिया है धकेल देना बोथ कंट्रीज ब्रिंक ऑफ एंड ओपन कंफ्लिक्ट इस इस तरीके की जो एक स्थिति बनी हुई है जो कंफ्लिक्ट बना हुआ है तो उन्होंने क्या कर दिया दोनों कंट्रीज को एक एक पे लाकर खड़ा कर दिया किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कंफ्लिक्ट बना हुआ है और युद्ध में कभी भी वो चेंज हो सकता है देवर सिमिलर सीन अर्लियर दिस इयर और इसी तरह के कुछ सीन इसी तरह के कुछ दृश्य इस साल के स्टार्टिंग में देखने को मिले थे बट मॉस्को मॉस्को कैपिटल है रशिया का आफ्टर यूएस डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक से रणनीतिक, का मतलब हो गया, गया हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस और आफ्टर यूएस डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन और कहीं ना कहीं यूएस ने अपना उसके अंदर इंटरवेंशन किया यूएस अमेरिका उसके बीच में अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप किया पुल्ड बैक और उस अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद मॉस्को ने कहीं ना क्या क्या मॉस्को ने क्या किया रशिया ने क्या किया अपना जो स्टेप है वो पीछे की तरफ ले लिया टाइम और इस बार जो इस टाइम की बात की जाए हाउ एवर हालांकि द मोर एम्पैथेटिक एम्पैथेटिक का मतलब होता है जोरदार स्ट्रॉन्ग कड़ा रशियन मूव यानी इस बार जो रशिया है वो और भी ज्यादा कड़ा मूव ले रहा है अपियर्स टू बी अपियर का अंदर दिखाई पड़ना टू बी पार्ट ऑफ ए लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी और कहीं ना कि रशिया की जो स्ट्रेटेजी है उसकी जो रणनीति है वो और भी ज्यादा है और भी ज्यादा बड़ी है कहीं रशिया जो उसकी ताकत है सैन्य जो ताकत है उसको प्रोजेक्ट करना चाहती है उसको दिखाना चाहती है प्रोजेक्शन का मतलब डिस्प्ले करना अक्रोस रशिया वेस्टर्न पैरामीटर और यो रशिया का जो वेस्टर्न एरिया है जो पश्चिमी इलाका है पैरामीटर यहाँ पर एरिया हो गया जो पश्चिमी इलाका है रशिया का वहां पर वो अपनी सैन्य शक्ति को क्या करना करता है सैन्य शक्ति को दिखाना चाहता है फ्रॉम द बाल्टिक सी टू द ब्लैक सी बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक का जो एरिया है ब्लैक सी तक का जो एरिया है वहां पर जो रशिया है वो अपनी सैन्य शक्ति को दिखाना चाहता है ऑन दू हो गया आपका यूरोपियन यूनियन पॉलिश बॉर्डर और कहीं ना कहीं जो पॉलिश बॉर्डर की बात की जाए पोलैंड की बॉर्डर की बात की जाए बेलारस बेलारस क्या है बेलारस एक पर्टिकुलर कंट्री है जो कि रशिया का अलाय है रशिया का अलाय मतलब रशिया का सहयोगी है साथी है वो ब्लेम्ड और कहीं ना कहीं बेलारस के ऊपर भी कुछ ब्लेम किए गए हैं चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर इस बात के दोष लगाए गए हैं बेलारस के ऊपर फोर और ऑर्चेस्टरिंग देखो ऑर्चेस्ट्रि का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग माइग्रेशन क्राइसिस और कहीं ना कहीं मतलब ये जो माइग्रेशन है, है. का मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाना क्राइसिस का मतलब संकट और ये जो माइग्रेशन क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं बेलारस को उसके लिए ब्लेम किया गया है जो कि एक रशिया का अलाय है रशिया का सहयोगी है एक सहयोगी देश है राइट right? तो कहीं ना कहीं इस स्लाइड में हमने देखा कि जो रशिया और यूक्रेन है वो अभी

पालन करना और भी करना अब आई साथ बाई को लेकर चलता है दोनों बस रीजन आपका नाउन हो गया तो कंटेस्टेड आपका वी हो गया जो है पास इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया बी प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपने कर लिया वो ब्लेम्ड जो कि आपका स्ट्रक्चर है राइट नाउ लेटस मूव ऑन टू अर सेकेंड स्लाइड अमीटेंशन और मतलब यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत सारी टेंशन बनी हुई चिंताए है चिंताएं बनी हुई है रशिया फ्लू बॉम्बर्स बॉम्बर्स क्या होता है देखो बॉम्बर्स होता है मशीन कह सकते हो जो कि बॉम्ब को फेंकता है रशिया फ्लू बॉम्बर्स नियर पोलैंड बॉर्डर्स अर्लियर दिस मंथ और रशिया ने क्या किया था पोलैंड बॉर्डर के आसपास बॉम्बर्स को उड़ा दिया था इसी महीने के स्टार्टिंग के अंदर इन द ब्लैक सी और जो ब्लैक सी है रशियन प्रेजिडेंट पुतिन जो कि वहां के प्रेसिडेंट है रशिया के डिस्पैच का मतलब रिलीज करना वेसल्स वेसल्स होता है वैसे वॉरशिप जिसको मतलब युद्ध पोत बोलते हैं बड़ी बड़ी जो शिप्स होती है उनके लिए यूज किया गया और कहीं ना कहीं जो व्ला व्लादिमिर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के उन्होंने क्या किया डिस्पैच कर दिया उन्होंने रिलीज कर दी जो बड़ी बड़ी शिप है वो शिप है टू शेडो टू शेडो का मतलब हो गया देखो मेक और कहीं ना कहीं जो यूएस अमेरिका की जो वॉरशिप है यूएस क्या है वो एक तरीके से जो यूक्रेन है उसका एक अलाय है यूएस हमेशा से यूक्रेन को क्या करता है सपोर्ट करता है और यूएस की वॉरशिप को छोटा दिखाने के लिए पुतिन ने क्या किया रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया अपने वेसल्स जो है बड़ी बड़ी शिप जो है उसको क्या कर दिया रिलीज कर दिया जिससे कि यूएस की जो वॉरशिप है उनको छोटा दिखाई जा सके द यूएस हैज वॉन हालांकि अमेरिका ने इस बात की चेतावनी भी दी है इट्स अलायस ऑफ पॉसिबल रशियन अटैक ऑन यूक्रेन और कहीं ना कहीं मतलब जो अमेरिका की जो दूसरी कंट्रीज अलायस है जो कि उसकी सहयोगी देश है तो अमेरिका ने इस बात की चेतावनी भी जताई है कि रशिया किसी भी टाइम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है रशिया कहीं ना कहीं रशिया का जो अग्रेसिवनेस है ये गुस्सा है कुड हैव पार्शली बीन ड्राइवर और ये जो गुस्सा एक तरीके से अग्रेसिवनेस दिखा रहा है जो रशिया जो अपना एक गुस्सा दिखा रहा है अग्रेसिवनेस आक्रमक जिसको कह सकते रवैया दिखा रहा है ड्राइवन बाय ड्राइवन का मतलब मोटिवेटेड बाय मिस्टर पुतिन असेसमेंट असमेंट का मतलब उनकी जो जांच है उसकी जो समीक्षा हैल और कहीं ना कहीं मतलब मिस्टर पुतिन का जो ये जो स्टेप है और एट द सेम टाइम रशिया अपना जो आक्रमक रवैया है वो दिखा रहा है किसको अमेरिका को दिखा रहा है किस वजह से क्योंकि अमेरिका जो है स्ट्रेटेजिकली मतलब अगर बात की जाए रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो वीकेंड का तो कमजोर पड़ जाना अमेरिका कमजोर पड़ा है क्योंकि अमेरिका ने जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो कहीं ना कहीं जो जो यूएस के जो सैनिक दल था तो यूएस ने अपने उन सैनिकों को वापस बुला लिया अमेरिका ने कहीं ना कहीं वहां से विड्रॉल किया जिसकी वजह से अमेरिका कमजोर दिखाई पड़ा और कमजोर दिखाई पड़ने की वजह से जो मिस्टर पुतिन है जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं तो वो अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इट्स प्री ऑक्युपेशन प्री ऑक्युपेशन का मतलब हो गया इंग्रोसमेंट इंग्रोसमेंट का मतलब एक तरीके से व्यस्त होना बहुत ज्यादा बिजी हो जाना विद चाइनास राइज़ ईस्ट एशिया और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो चाइना है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया है कहां पर ईस्ट एशिया के अंदर और वहां पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका कमजोर पड़ा है तो इसी वजह से अमेरिका के कमजोर होने की वजह से रशिया ने अपना अग्रेसिवनेस दिखाया, अपनी जो अकर्मक उसका रवैया है वो दिखाया है दिस गिवस हिम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और इस वजह से ऐसी सिचुएशन की वजह से जो पु पुतिन है उसको एक तरीके से खिड़की मिलती है विंडो का मतलब एक अवसर हो गया है यहाँ पर चुनिटी uh, कहीं ना कहीं मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कन्फर्म मतलब करना इस बात को रीअसर्ट करना कन्फर्म करना साबित करना रशियन प्राइमेसी प्राइमेसी का मतलब सुप्रीमेसी सुप्रीमेसी का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उसका जो एक बहुत बड़ा एक uh, सुप्रीमेसी पावर पावरफुल दिखाने के लिए इन इट्स बैकयार्ड बैकयार्ड का मतलब इन इट्स विसिनिटी विसिनिटी का मतलब एक तरीके से एरिया हो गया अपने आप को उस एरिया के अंदर मजबूत दिखाने के लिए कहीं ना कहीं जो रशिया है वो अपनी सुप्रीमेसी को दिखा सकता है अपने बैकयार्ड के अंदर अपने एरिया के अंदर क्योंकि अमेरिका बट अमेरिका का देखा जाए तो अमेरिका ईस्ट जो एशिया वहां पर भी कमजोर पड़ा है एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के अंदर उसने अपना विड्रॉल किया जिसकी वजह से भी अमेरिका कमजोर दिखाई पड़ा है और ये जो टाइम है रशिया के लिए अपनी सुप्रीमेसी दिखाने का है वो अपनी विसिनिटी के अंदर अपने बैक के अंदर अपने एरिया के अंदर क्या दिखा सकता है अपने आप को मजबूत दिखा सकता है सुप्रीम दिखा सकता है विच हैज सीन सिग्निफिकेंट नेटो एडवांसेस नाटो क्या देखो नाटो हो गया आपका नॉर्थ एट एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो नाटो क्या है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो नाटो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं और उनका एक अलायंस है राइट right? अलायंस का मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं उनके आपस में संधि है वो सहयोगी कंट्रीज हैं और वो सारी के सारी कंट्रीज एडवांस का मतलब आगे बढ़ना यहां पर कहीं ना कहीं जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की या यूक्रेन को दबाने की कोशिश की है तो जितनी भी कंट्रीज नैटो के अंदर आती है नाटो के अंदर आती है उन सारी कंट्रीज ने क्या किया रशिया का बहिष्कार किया है या रशिया को थ्रेटन किया है रशिया को डराने की कोशिश की है या वार्न करने की कोशिश की है दिस मेक्स यूक्रेन विच रशिया जिसके हिसाब से रशिया देखता है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर एट क्रेनजी क्रेंजी नाम की जगह है अमेरिका के अंदर तो वहां के जो स्कॉलर्स हैं, वहां के जो एजुकेटर्स हैं, उनके हिसाब से मतलब ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है रशिया देखता है और वो जो स्कॉलर है यूएस के एजुकेटर्स है उनके हिसाब से एज ए वेस्टर्न एयरक्राफ्ट कैरियर 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 का मतलब यहाँ पर हो गया uh, मतलब किसी चीज को ढोने वाला राइट right. तो ये जो ये क्या दिखाता है यूक्रेन को एक वेस्टर्न पश्चिमी एयरक्राफ्ट ओके okay, एक वाहन की तरह एक करियर की तरह दिखाता है पार्क जस्ट अक्रॉस सौदन साउथर्न रशिया जो क्या है साउथर्न रशिया की तरफ क्या है फैला हुआ है एंड एट द सेंटर ऑफ रशिया जियोपॉलिटिकल टसल वेस्ट और कहीं ना कहीं मतलब जो यूक्रेन है और उसका जो रशियास जियोपॉलिटिकल टसल विद वेस्ट और रशिया का जो हमेशा क्षेत्र को लेकर जियो पॉलिटिकल जियो मतलब जियोग्राफी से हो गया पॉलिटिकल राजनीतिक हो गया टसल का उनका डिस्प्यूट हो गया और रशिया जो है हमेशा से रशिया का जो वेस्टर्न वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके साथ टसल रहा है डिस्प्यूट रहा है जियोग्राफी को लेकर एरिया को लेकर इन 2015, 2015 के अंदर एन ओपन कंफ्लिक्ट वाज अवर्टेड और 2015 के अंदर भी ओपन एक कंफ्लिक्ट दिखाई पड़ा था एक संकट दिखाई पड़ा था एक डिस्प्यूट दिखाई पड़ा था एक विवाद दिखाई पड़ा था वो अवॉर्टेड अवर्टेड का मतलब अवॉइड कर देना आफ्टर द पीस टू अग्रीमेंट और कहीं ना कहीं इसी तरह का एक ओपन कंफ्लिक दिखाई पड़ रहा था 2015 के अंदर भी लेकिन वो किसी तरीके से उसको अवॉइड किया गया और कहीं ना कहीं मतलब जो रशिया है और रशिया और अगर बात की जाए ये जो यूक्रेन है मतलब उसके बीच में क्या किया गया था फिर पीस एस्टेब्लिश किया गया था दोनों के बीच में संधि कराई गई थी पीस अग्रीमेंट हुआ था वो साइन अंडर दी मेडिएशन ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी मेडिएशन का मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से मध्यस्थ होना बीच में आकर फ्रांस और रशिया ने आकर फिर क्या किया था यूक्रेन और जो रशिया के बीच में जो कंफ्लिक्ट बना हुआ था उस कंफ्लिक्ट को खत्म किया और वहां पर एक मिनिस्क टू एग्रीमेंट क्या किया गया था एस्टेब्लिश किया था जिसके तहत यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर की स्थिति बनी हुई थी उसको एंड करने टू शेड right? so आपका टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया गुड आपका मॉडल वर्ब हो गया उसके बाद आपने कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया उसके बाद प्रेजेंट कर लिया has के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है और दोनों दोनों की दोनों cases में आपने क्या किया passive structure use किया है और बी के बाद यूज कर लिया जो कि आपका पास पैसिव स्ट्रक्चर हो गया लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड इट डिजाइन और ये जो मिनिस्ट एग्रीमेंट डिजाइन किया गया था ये जो पीछे जहां पर मतलब अगर बात की जाए फ्रांस और इटली ने जो एक अग्रीमेंट कराया था यूक्रेन और रशिया के बीच में जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो गया था एक वॉर की स्थिति पैदा हो गई थी और उस वॉर की स्थिति को खत्म करने के लिए एक मिनिस्ट पीस अग्रीमेंट हुआ था और ये जो अग्रीमेंट डिजाइन किया गया था टू एंड फाइटिंग इन रिबेल रिली रीजन एंड हैंड ओवर दॉर्डर टू यूक्रेन नेशनल ट्रुप्स और कहीं ना कहीं जो रशिया की तरफ से जो रेबल्स है वहां पर क्या था जो रेबल्स थे रेबल्स थे जो जो कि रशिया की, की साइड से थे उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर किया हुआ था और ये जो ट्रीटी थी ये जो अग्रीमेंट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में तो इस इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को इस तरीके से डिजाइन किया गया था वो सारे क्षेत्र जो कि रशिया के जो रेबल्स है उन्होंने कैप्चर किए हुए थे उ, उन उन पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या कर दिया जाए? कर दिया दिया जाए जाए हैंड हैंड किसको वो जो है, वो जो बॉर्डर एरिया है यूक्रेन को कर दिया जाए क्योंकि वो किसका एरिया था यूक्रेन का एरिया था और वो यूक्रेन को वापिस कर दिया जाए यूक्रेन वॉज रिक्वायर्ड और उसके बाद यूक्रेन को क्या जरूरत थी टू डेलीकेट डेलीगेट का मतलब टू डिवाइड मोर पावर टू ब्रेक अवे regions और उसके बाद मतलब वो सारे के सारे क्षेत्र जहां पर यूक्रेन क्या था कमजोर पड़ा हुआ था ब्रेक अवे का मतलब होता है टूटे हुए जो जहां कही कही जो क्षेत्र थे पर कहीं कहीं ना यूक्रेन उसका जो एक तरीके से जो एक पावर वहां पर उसको एस्टेब्लिश करना था जो कि उसके कंट्रोल से थोड़े कम थे उन सभी क्षेत्र के अंदर यूक्रेन ने क्या किया अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की एंड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स और कहीं ना कहीं वहां पर संवैधानिक जो परिवर्तन करने थे रिफॉर्म्स करने थे जो चेंज करने थे उसको इंट्रोड्यूस किया एंड कोडिफाइंग देअ स्पेशल स्टेटस कोडिफाइंग का मतलब सिस्टेमाइज करना व्यवस्थित करना देअ स्पेशल स्टेटस और उसके बाद उनका जो स्पेशल स्टेटस था उसको क्या करने की कोशिश की उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की नौड, नौड का मतलब एक तरीके से एक्सेप्टेंस हो गया स्वीकार करना और रशिया का जो स्वीकार करना है फोर द अग्रीमेंट वाज और कहीं ना कहीं रशिया ने ये जो मिनिस्क जो अग्रीमेंट हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो अग्रीमेंट के लिए रशिया ने हाँ की है वो पॉसिबली संभव है उसने हाँ क्यों की है इसका एक एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है इस बात की पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है कि रशिया के रशिया ने जो एग्रीमेंट के लिए हामी भरी है इसकी क्या वजह हो सकती है रशिया रशिया को रश्या ने सोचा डेलीगेशन ऑफ पावर टू द रेबल्स वुड इनहस मॉस्को लिवरेज और रशिया ने कहीं ना कहीं मतलब ये सोचा कि अगर वो जो पावर है जो अगर पावर को डेलीगेट कर देता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसको जो रेबल्स हैं जो कि यूक्रेन के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है वो सारे के सारे रेबल्स जो कि है तो रशिया के साइड से और रशिया की तरफ से वो क्या करते हैं जो यूक्रेन का जो बॉर्डर एरिया है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो इसी तरीके से रशिया ने क्या करने की कोशिश की है उन रेबल्स ग्रुप को क्या किया डेलीगेट किया पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है जिससे क्या फायदा मिलेगा रशिया को वुड इनहस इससे रशिया को इनहेंस का मतलब बढ़ाना मॉस्को कैपिटल है रशिया की तो यहाँ पे रशिया के लिए यूज किया गया लिवरेज का मतलब बेनिफिट करना दैट इट कुड यूज टू प्रिवेंट यूक्रेन फुल इंटीग्रेशन विद द वेस्ट और कहीं ना कहीं मतलब जो रशिया है उसका माइंडसेट ऐसा भी है कि उसने जो रेवल्स है उनको पावर क्या की गई है डेलीगेट की गई है जिसकी वजह से रशिया को इस बात का बेनिफिट मिलता है मिलता है कि इट कुड टू प्रिवेंट प्रिवेंट और रशिया क्या कर सकता? कर सकता 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 है 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 दूर रख, सकता है, दूर रख सकता है, बचा सकता है कि यूक्रेन फुल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब किसी के साथ एकीकृत एक हो जाना मिल जाना विद द वेस्ट यानी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है उन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ यूक्रेन अपना इंटीग्रेशन ना कर सके यूक्रेन उन कंट्रीज उन के साथ मिल ना सके तो इस चीज को रोकने के लिए रशिया जो रेबल ग्रुप है जो ग्रुप है उनको क्या करता है पावर इंटीग्रेट उन पावर को डेलीगेट करता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे कि यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपना इंटीग्रेशन ना कर सके उनके साथ एकीकृत ना हो सके बट कीव्स रिलेक्टेंस कीव्स वैसे क्या देखो ये जो है ये आ, उस, जो यूक्रेन है उसकी कैपिटल है तो यहां पे यूक्रेन के लिए यूज किया गया रिलेक्टेंस का मतलब अनविलिंगनेस अनिच्छ मतलब जब आपकी इच्छा नहीं होती है टू तो इंप्लीमेंट अग्रीमेंट और कहीं ना कहीं जो की उसने इस अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट टू तो इंप्लीमेंट मतलब कहीं ना कहीं उसने अपनी अनिच्छा दिखाई है अपनी इच्छा नहीं दिखाई है कि इस अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए एंड इट्स ग्रोइंग मिलिट्री

और पॉलिटिकल राजनीतिक उसका जो एक टाई है गठबंधन है समझौता है दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके साथ बढ़ बढ़ रहा है और इसी चीज को देखते हुए मिस्टर पुतिन ने अपने जो उसका जो अप्रोच थी उसको उसको चेंज करना पड़ा टू पुटिंग टू पुटिंग की अंडर डायरेक्ट मिलिट्री प्रेशर और कहीं ना कहीं यूक्रेन को दबाने के लिए उसने अपने मिलिट्री पावर का यूज करना चाहा किसने जो रशिया है रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्योंकि यूक्रेन है 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 वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रीज के साथ साथ उसका टाइप चल रहा है। वेस्टर्न उसको एक तरीके से है, एसोसिएट है, और उस चीज को दबाने के लिए यूक्रेन को दबाने के लिए रशिया ने अपने सैनिक जो दल है उसको यूज करना चाहा जिससे कि, कि यूक्रेन को दबा सके इज नाउ इन अ टफ स्पॉट क्योंकि जो अब जो यूक्रेन है कीव यहाँ कैपिटल हो गया यूक्रेन का और वो अभी एक सिचुएशन में फंसा हुआ है इट लैक्स मिलिट्री रिसोर्सि क्योंकि अगर स्टडी किया जाए तो यूक्रेन जो है उसका जो मिलिट्री uh, जो फोर्स की बात की जाए रिसोर्सिस की बात की जाए कंपेरेटिवली तो अगर बात करते हैं रशिया के साथ तो बहुत कम है यूक्रेन के पास तो जो यूक्रेन है उसका जो मिलिट्री रिसोर्सिस है वो बहुत कम है टू डेटर डेटर का मतलब प्रिवेंट करना इट्स जाइंट और रशिया को साथ फाइट करने के लिए उसके पास इतना सैन्य दल नहीं है एट द सेम टाइम उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो रशिया के साथ फाइट कर सके वाइल इट्स वाइल इट गेट्स मिलिट्री सप्लाईज़ फ्रॉम द वेस्ट हालांकि यूक्रेन को वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां से मिलिट्री सप्लाइज मिलती है यानी जो डिफेंस के जितने भी जो वेपन्स की बात की जाए तो वो सारे के सारे उसे वेस्टर्न कंट्री से मिलते हैं लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कंपेरेटिवली स्टडी किया जाए तो रशिया बहुत बड़ा है यूक्रेन से मिलिट्री के अंदर पावर के अंदर तो ये बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है यूक्रेन के लिए कि वो रशिया के साथ मतलब फाइट कर सके दे इज नो गारंटी एट द सेम टाइम इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है that west would come to its help in the event of russian invasion invention ka invasion ka matlab ho gaya ek tarike se attack karna aur in case maan lo russia यूक्रेन के ऊपर attack कर देता है तो इस बात की भी कोई guarantee नहीं है कि जो western जो countries हैं जो West है वो

टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन केस है।, आपने हाँ पे plus ING किया है जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है राइट नाउ लेटस मूव ऑन टू आर फोर स्लाइड ऑन दी अदर साइड और दूसरी तरफ देखा जाए तो रशिया माइट मेक टेक्टिकल गेन्स टेक्टिकल मतलब रिलेटेड टू टेक्टिक्स यानी कूटनीतिक और कहीं ना कहीं रशिया का अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो रशिया माइट मेक टैक्टिकल गेन्स फ्रॉम एन इन्वेंशन इन्वेंशन की बात अगर बात की जाए अगर रशिया अटैक करता है तो रशिया को क्या हो सकता है कूटनीतिक कुछ फायदे हो सकते हैं लाइक इट डिड फ्रॉम दी एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन ट्वेंटी और 2014 के अंदर रशिया ने क्या कर लिया था क्रीमिया नाम की जो एक एक जगह थी उसको एनेक्सेशन का मतलब हो गया एक तरीके से इनकॉपरेट कर लेना कब्जे में ले लेना और रशिया ने क्रीमिया नाम की जो जगह है उसको 2014 के अंदर अपने अंदर उसको क्या कर लिया था उसको इनकॉपरेट कर लिया था उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और अगर इन केस रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो रशिया को बहुत सारे टैक्टिकल गेम्स हो सकते हैं राजनीतिक कूटनीतिक फायदे हो सकते हैं बट सच अमू लेकिन अगर रशिया इस तरह का कोई भी कदम उठाता है कुड फर्दर डेटोरिएट डेटोरिएट का मतलब हो गया डी जेनरेट करना मतलब और भी ज्यादा खराब कर देना इट्स ऑलरेडी रेपुटेटेड टाइज विद वेस्ट और हालांकि देखा जाए तो रशिया जो है उसका जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ ऑलरेडी उसके जो टाइज की बात की जाए उसका रिलेशन की बात की जाए तो वो ऑलरेडी बहुत खराब है और रशिया भी नहीं चाहेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसके रिश्ते जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इस तरह के कदम उठाने से पहले रशिया को भी बहुत बार सोचना होगा। सोल्यूशन so और एक मतलब अगर बात की जाए प्रैक्टिकल एक मतलब एक वास्तविक एक सोल्यूशन एक हल की बात की जाए इज टू रिवाइव पुनः जिंदा करना द मिनिस्ट पीस प्रोसेस और मतलब फिर क्या है इसका एक ही एक ही तरीका निकलता है कि जो मिनिस्ट पीस जो ऑलरेडी पहले भी हुआ था उसी प्रोसेस को क्या किया जाए रिवाइव किया जाए उसको पुनर्जीवित किया जाए जिसके तहत यूक्रेन और जो रशिया है है वो वो उस जो 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 एक वॉर की स्थिति बनी हुई है, उसको खत्म द वेस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज है शुड पुश आगे की तरफ धकेलना टू बोथ साइड्स और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको उनको रशिया और यूक्रेन दोनों को क्या करना चाहिए पुश करना चाहिए टू रिज्यूम टॉक्स जिससे कि वो क्या कर सके अपनी बातों को का मतलब बहाल करना दोबारा से स्टार्ट करना उन दोनों में बातचीत होनी चाहिए और वेस्टर्न कंट्रीज उनको क्या करना चाहिए दोनों कंट्रीज को थोड़ा एनकरेज करना चाहिए आपस में बातचीत करने के लिए एंड लिव अप टू देयर कमिटमेंट्स और जो मिनिस जो पीस एक्ट पीस अग्रीमेंट हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में और दोनों की दोनों कंट्रीज जो कमिटमेंट हुआ था जो प्रतिबद्ध थे उन प्रतिबंधों उन प्रतिबद्धताओं को क्या करे वो पालन करे उसको उसको करें उसका पालन करें एज पर एग्रीमेंट जो कि अग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत यूक्रेन और रशिया क्या करेंगे वो जो एक की स्थिति बनी हुई है उसको खत्म कर देंगे टू रिस्टोर टू रिस्टोर क्या मतलब टू फिक्स करना रिलेटिव पीस ऑन बॉर्डर जिसके तहत मतलब जो एक बॉर्डर के ऊपर जो एक बहुत ज्यादा क्या बना हुआ है एक तरीके से एक बहुत ज्यादा एक एक बहुत ही खराब स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को क्या करने के लिए वहां पर पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए वहां पर शांति को बहाल करने के लिए इन दोनों कंट्रीज को क्या करना चाहिए इन दोनों कंट्रीज को आपस में बातचीत करनी चाहिए और जो मिनिस्ट अग्रीमेंट के तहत दोनों को क्या जो भी उनकी प्रतिबद्धताएं हैं जो कमिटमेंट है उनको पालन करना चाहिए और वेस्टर्न कंट्रीज को इन दोनों कंट्रीज को इंस्पायर करना चाहिए जिससे कि ये जो वॉर की एक स्थिति बनी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में उसको अवॉइड किया जा सके राइट तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का नाउ लेटर डिस्कस देखो माइट आपका लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, जो कि मॉडल है उसके बाद वी वन यूज कर लिया मेक कुड आपका मॉडल व हो गया उसके बाद आपने डेटोरिएट यूज कर लिया जिसका मतलब होता है डी जनरेट बहुत ज्यादा खराब कर देना जनरली मॉडल वर्ब अपने वी वन लेकर चलता है शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि एडवाइस दिखाता है और यहाँ पे पुश यूज कर ले जो कि वी वन है यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनेटिव केस है राइट सो माई डियर रीडर्स दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो आई विल कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड हैव नाइस डे